हाथरस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम पूरे एक्शन में है। पूरी टीम हाथरस जाकर पड़ताल कर रही है। अधिकारियों ने एक एक चीज को तसल्ली से खंगाला है, घर वालों से बात की है, उनके बयान दर्ज किए हैं, पूरी वारदात की जानकारी ली है कि आखिर 14 सितंबर को हुआ क्या था। हाथरस में सीबीआई का ऑपरेशन 15, एक्शन में सीबीआई के अधिकारी, क्राइम सीन से जांच का आगाज, पीड़िता की मां और भाई से बातचीत। ठीक एक महीने बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का ये सबसे बड़ा एक्शन है। हाथरस में सीबीआई की टीम उस जगह पहुंची जहां ये संगीन गुनाह हुआ था। 14 सितंबर को इसी जगह पर लड़की से हैवानियत का आरोप है, जिसकी मौत 29 सितंबर को हो गई। जांच का जिम्मा सौंपे जाने के बाद सीबीआई आज पहली बार बुलगड़ी में दाखिल हुई और बिना रुके सीधे क्राइम सीन का रुख किया। सुबह करीब 11:30 बजे सीबीआई अधिकारियों का काफिला मौके पर जा पहुंचा। साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे, जो अपने खास उपकरणों की मदद से साक्ष्य जुटा रहे थे। घटना स्थल पर सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है और जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनसे इस वक्त मंत्रणा कर रही है। सीबीआई की टीम अब अंदर जो वारदात वाली जगह है जहां पर आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था, उस जगह पर यहां पहुंच करके वो सीन देखेगी कि किस तरीके से आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। 4 गाड़ियों में सीबीआई के 15 अधिकारी आज सुबह सबसे पहले चंदपा थाने पहुंचे और वहां करीब 25 मिनट तक रुकने के बाद बुलगड़ी पहुंचे। पुलिस वाले भी साथ मौजूद थे, जिनसे सीबीआई लगातार जानकारी जुटा रही है। सीबीआई ने पूरे क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फैसला किया। हर हिस्से की रिकॉर्डिंग कराई गई। अधिकारियों ने मुख्य सड़क से क्राइम सीन तक इंच टेप से पूरी दूरी नापी। सबूत और फॉरेंसिक नमूने एक बक्से में करते गए। मौका वारदात पर पुलिस ने 50 मीटर तक घेराबंदी कर दी। सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर अभी जो यहाँ की लोकल पुलिस है उनके साथ मंत्रणा कर रहे हैं और मंत्रणा करने के बाद आगे जो सीन ऑफ क्राइम वाली जगह है, आप यहाँ विजुअल देख रहे हैं, सीमा पाहुजा और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं सीबीआई के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। 2 यहाँ पर महिला अधिकारी सीबीआई की है। इसके अलावा जो सीबीआई के करीब 15 ऑफिसर पूरे इस टीम मौजूद है। घर वालों से परिवार के 2 सदस्यों को वहाँ सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर बुलाया था, जिसमें पीड़िता का बड़ा भाई और उनकी मां भी थी। उनसे भी कई सवाल किए गए और ये पूछा गया कि 14 तारीख को जो घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था उस वक्त आप लोग किस जगह पर मौजूद थे और किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरी घटना को देखा, अस्पताल गए या इसके अलावा आप पुलिस स्टेशन गए, किस तरीके की आप लोगों ने उस समय कदम उठाए थे, इन तमाम चीजों की जानकारी घटना स्थल पर सीबीआई की टीम ने परिवार वालों से लिया। सीबीआई के सामने पीड़िता के परिजनों के बयान बेहद अहम है, क्योंकि इसी वारदात का एक वीडियो पुलिस वालों के हवाले से भी सामने आ चुका है। उस वीडियो से खुलासा हो चुका है कि क्राइम सीन पर 4 हसियां मौजूद थी। ऐसे में सीबीआई के लिए एक एक गुत्थी सुलझाना अब बड़ी चुनौती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हाथरस से राजेश सिंगल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।